नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेक जोन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिस वजह से हमारे देश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। इस महामारी के कारण देश आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है। इस बीच यूपी सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके तहत श्रमिक कानून 3 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कानून स्थगित किए गए हैं और उनके क्या लाभ हैं और क्या नुकसान है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश इस समय आर्थिक तंगी से इतना ज्यादा जूझ रहा है कि लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार का यह कदम आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए और कुछ बाहरी कंपनियों को लुभाने के लिए हो सकता है। अगर बात करें तो नए इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है, जिसके वजह से नई कंपनी यूपी में स्टेब्लिश होंगी। यह यूपी में मौजूद पहले से और नई कंपनियों को बढ़ाने के लिए एक मदद का प्रयास हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपी में टोटल 38 श्रमिक कानून हैं, जिनमें से 3 अहम कानून जो हैं उनको छोड़ के बाकी 35 3 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। उनमें से पहला है बॉन्ड के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने का कानून। दूसरा है नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने का कानून। तीसरा है समय पर वेतन देने का कानून। इन 3 कानून को छोड़ के बाकी अन्य सभी कानून 3 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कंपनी से इसको क्या लाभ होगा। इस फैसले से किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट नियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस छूट के कारण कंपनियां कभी भी हायर और फायर कर सकती हैं। अब आप सोच रहे हैं हायर और फायर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा होता है कि कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से आपको नौकरी पे रख सकती है या नौकरी से निकाल सकती है। इससे राज्य में पहले से लागू श्रम कानून में कंपनियों को 3 साल के लिए कुछ छूट दी जाएंगी, जिससे नई कंपनियां प्रदेश में आने की संभावना बढ़ेगी। कंपनी की सुविधा के लिए सरकार ने साथी पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे जीएसटी रिफंड सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगी। आइए अब बात करते हैं इससे श्रमिकों को क्या लाभ होगा। इससे श्रमिकों को अपना राज्य छोड़ के, अपना घर छोड़ के अन्य राज्यों में नहीं जाना होगा। प्रदेश में रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और जिन लोगों की आय 15,000 से कम है उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन फायदे के साथ साथ इससे श्रमिकों को कुछ नुकसान भी है, तो आइए अब हम उस पे बात करेंगे श्रमिकों को क्या क्या नुकसान है। इससे जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। इस फैसले से न्यूनतम मजदूरी दर भी घट सकती है। श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं में कमी देखने को भी मिल सकती है। रोजगार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कंपनियां अभी आने में थोड़ा समय लें और वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो इस फैसले से सरकार को क्या लाभ होगा, अब हम उस पे बात करेंगे। ये फैसला सरकार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हो सकता है कि इस फैसले से टूटती अर्थव्यवस्था में मजबूती लाई जा सके। भविष्य में अगर ऐसी आपदा आती है तो प्रवासी मजदूरों में कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने की संभावना बहुत ही कम होगी। नई कंपनियों का निवेश होगा। कानून में छूट मिलने से नए कंपनियों के निवेश होने की संभावना बढ़ गई है। अब आप पूछेंगे कि ये संभावना कैसे बढ़ी, तो मैं आपको सीधा से बताता हूँ। जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आप हमेशा सामान उसी दुकान से खरीदते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा छूट मिलती है। तो सेम ऐसा कंपनियों के साथ है, उन्हें जहाँ ज्यादा छूट मिलेगी वो वहीं पे कंपनी बनाना पसंद करेंगे और वहीं निवेश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आप सरकार के इस फैसले को समझ पाए होंगे और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमें ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी और इसके बदले हमें नई नई कंपनियां देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।